बंद गोभी को ग्राइंड कर लेंगे, हरा बीन को छोटे से छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और हरा मिर्च को भी छोटे से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। कढ़ाई गरम करके 2 चम्मच तेल डाल के इस हरे सब्जी को अच्छे से भूनेंगे। फिर उसके बाद 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। इसके बाद स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 10 से 15 मिनट इसको फ्राई करेंगे। दस मिनट हो चुके हैं, इसका कलर ब्राउन हो गया है। अभी इसको 5 मिनट और फ्राई करेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करते रहेंगे। इसको चलाते रहेंगे सटे ना, और इसमें कटा हुआ धनिया पत्ता इसमें डाल देंगे और 2 मिनट इसको फ्राई करेंगे। 2 मिनट के बाद इसको बाहर निकाल लेंगे। अब आपका सब्जी रेडी हो गया है। अब चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 1 कप मैदा लेंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंद लेंगे। अच्छे से गूंदने के बाद इसको हम 10 मिनट के लिए ढक कर छोड़ देंगे। तीसरा स्टेप, सॉस बनाने के लिए कढ़ाई में पानी गर्म करेंगे और टमाटर को अच्छे से उबाल लेंगे। टमाटर को उबालने के बाद उसको बर्तन में निकाल लेंगे, उसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। थोड़ा सा ठंडा करने के बाद उसका ऊपर का परत निकाल लेंगे। टमाटर के परत उतार कर ग्राइंड वाले बर्तन में ही उसको रख दें और उसके बाद स्वाद अनुसार नमक डालें। जितना आप तीखा चाहते हैं उतना हरा मिर्च डालें, इसको तीखा पसंद नहीं उसको मिर्च कम डालें और इसको अच्छे से ग्राइंड करके आप चटनी बना लें। चौथा स्टेप, अब हम सब मोमो तैयार करेंगे। इसे आप मोमोज के नाम से भी जानते हैं। छोटा टुकड़ा लेकर इसको अच्छे से बेल लेंगे और उसमें हल्का सा सब्जी रखकर इसको अच्छे से मोड़ लेंगे इस तरीके से। चलिए आपको हम एक अच्छे से भर के और मोड़ कर दिखाते हैं। इसमें इतना सा सब्जी लेकर उसको अच्छे से मोड़ लें। हाथों के हल्के हल्के सहारों से इसको फोल्ड करें। सारा इसी तरह तैयार कर लेंगे एक एक करके। तैयार करने के बाद इसको किस तरह उबालना है आपको हम बताएंगे। इसको फ्राई भी कर सकते हो। तो इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये देसी जुगाड़ है। लॉकडाउन में घर पे सबके पास जुगाड़ नहीं होता है, तो ये जुगाड़ करके किस तरीके से बनाया गया है आप देखिए और इसका मज़ा लीजिए। 5वां स्टेप, कढ़ाई में पानी गर्म करेंगे और उसको उबाल लेंगे। उसके बाद ऊपर एक बर्तन रखकर उसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाकर सारा मोमोज उसके ऊपर धीरे धीरे करके रख देंगे। हल्के हाथों में रखना है क्योंकि ये टूटे ना। तो ये देसी जुगाड़ कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। बर्तन में इसको अच्छे से रखने के बाद इसको ऊपर से एक बर्तन से ढक दें, इसको पूरी तरह सील कर दें। जो अंदर का पानी का वाफ बनेगा इसी से वो पकेगा। तो आप सब इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और पकाएं।
बहुत टेस्टी बनेगा, बहुत टेस्टी लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।